वेलकम बैक मेरे दोस्तों। फाइनली न्यू ओबी 42 अपडेट की फुल डिटेल वीडियो आ चुकी है, जहां मैं आपको पूरा ए टू जेड फुल चीजें बताऊंगा क्या होगी ओबी 42 अपडेट पे, क्योंकि मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 चेंजेस की लिस्ट है जिसको आपको पहले से पता होना जरूरी है। जैसे फ्री फायर न्यू कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर एक्टिव स्किल कार्ड, न्यू आइटम्स अपडेट, ग्लू मेकर अपग्रेडर्स, चेंजेस इन कैरेक्टर स्किल्स, वेपन एट्रीब्यूट अपडेट, लेटेस्ट गिल्ड अपडेट, चेंजेस इन बरमुदा मैप, क्लैश स्क्वाड अपडेट, एफएफ कॉइन मशीन। टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है फ्री फायर का, तो चलो शुरुआत करते हैं चेंजेस नंबर 10 से। फ्री फायर में दो नया कैरेक्टर आ रहा है, एक कैरेक्टर का नाम है इग्निस और एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक फ्री फायर ने रिवील नहीं किया है। हो सकता है ये धोनी कैरेक्टर के ऊपर है, हमारा थाला कैरेक्टर। एंड यहां पे जो सबसे पहला इग्निस कैरेक्टर काम किया है गाइस, इसका स्किल का नाम है फ्लेम माइरेज। ओके, फ्लेम माइरेज। एंड इसका कैरेक्टर का स्किल जो काम करता है वो एक फ्लेम निकलता है, ओके, एक वॉल दीवार जैसा वॉल खड़ा करता है। एंड अगर इसका अंदर कोई बंदा जाएगा तो उसको 10-10 करके डैमेज पड़ता है, ओके, 30 डैमेज हाईएस्ट मिलता है। प्लस यहां पे अगर कोई ग्लूवाल लाएगा तो उसका ग्लूवाल जल्दी फट सकता है। तो इस कैरेक्टर का नाम है इग्निस। अब हम बात करते हैं हमारा थाला कैरेक्टर, ओके, तो फ्री फायर में हम लोग को पता है थाला कैरेक्टर आने वाला है। अब ये कब आएगा ये फ्री फायर ने कभी रिवील नहीं किया अभी तक, बस हम लोग को थोड़ा हिंट दिया है। देखो थाला कैरेक्टर का काम ये मुझे सुनने को आया है कि हो सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, लाइक क्रोनो, ओके। अभी तक मुझे कोई इसका इंफॉर्मेशन पता नहीं है, प्लस हम लोगों को बस इतना पता है कि अभी इग्निस कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए मैं आपको दो कैरेक्टर का नाम मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे, व्हाट इज कैरेक्टर एक्टिव स्किल कार्ड। तो देखो आपको फ्री फायर में पता चल चुका है आपको एक्टिव स्किल कार्ड मिलने वाला है, लेकिन फ्री फायर में किस तरह से काम करने वाला, कितने कैरेक्टर होगा, तो मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। तो इसमें कौन से कैरेक्टर है आप लोग ध्यान सुनना। इसमें होगा क्रोनो, क्लू, आलोक, यहां पे स्टेफी है, होमर है, केंटा है, स्काइलर और अपना A124 कैरेक्टर। यही सब कैरेक्टर यहां पे इंक्लूड किया गया है। हो भी सकता है और भी कई सारे कैरेक्टर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता फ्री फायर कितने कैरेक्टर यहां पे देगा, लेकिन जितना मुझे पता यही सब कैरेक्टर अभी इंक्लूड करने वाला है। और ये जो कैरेक्टर आप एक ही बार यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सेम स्किल है, लाइक अगर आपने अभी यहां पे आपके पास अगर होमर कैरेक्टर है और अगर आपको गेम में भी होमर चाहिए तो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहां पे बस एक ही बार काम करेगा ये एक्टिव स्किल कार्ड और ये आपको वेंडिंग मशीन से वगैरह मिल जाएगा, ओके, यहां पे आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यू आइटम्स अपडेट। तो फ्री फायर में बहुत सारे नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो उसमें कहीं सारे चार आइटम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं एंड ये चार आइटम्स आपको गेम में देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला आइटम है वो है इसका नाम है अपना हीलिंग यूएवी। यस माय फ्रेंड, हीलिंग यूएवी क्या काम करता है, अगर आप लोग छोड़ोगे यूएवी आपका टीममेट सब हील हो जाएगा, ठीक है, आराम से, कोई टेंशन मत लो, आप खुद भी हील हो जाओगे। यहां पे हीलिंग यूएवी नाम का है। एंड सेकंड जो हम लोग का आइटम है वो है अपना टरेट, ओके। टरेट जो है ना गाइस, ये काम कैसे करता है, अगर आप लोग लगाओगे ये टरेट को तो आपको एनिमी का डैमेज होगा, ठीक है, अगर आप इसको लगाओगे तो ये एनिमी को डैमेज देगा एंड बहुत अच्छा खासा डैमेज मिलता है। लेकिन वही बात है, अगर आप लोग ऐसे ही लगा दोगे तो ये टरेट कुछ काम का नहीं है, ओके, इसलिए आप लोग ध्यान से लगाना। नेक्स्ट नंबर 3 है वो है अपना पोर्टल, ओके, पोर्टल। यहां पे जो पोर्टल गो है इसका काम ये है कि अगर आप लोग को ये लगाना है तो सही से ढंग से लगाना होगा, लाइक जोन वगैरह से निकलने के लिए ही लगाना, नहीं तो अगर आप लोग को ऐसे लगाना है, टाइम वेस्ट करना है, तो गाइस ये कुछ काम का नहीं होने वाला, इसलिए पोर्टल को भी सही से यूज करना। जब आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारा एनिमी है मुझे मारने वाला, तभी ये पोर्टल लगाना, ओके। नेक्स्ट नंबर 4 है वो है अपना इन्फो बॉक्स। तो देखो ये जो आइटम है इन्फो बॉक्स, ये काम ऐसे करता है कि जो सेक्शन बनने वाला है मैप में वो आपको पहले से देखने को मिलेगा, बस आपको यूज करना है आपका इन्फो बॉक्स। आपका जो फेल्को पेट है इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ओबी 42। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे, ग्लू मेकर अपग्रेडर्स। देखो ग्लू मेकर अपग्रेडर्स का मतलब है आप लोग को गाइस एक अटैचमेंट मिलेगा ग्लू मेकर का, ओके। देखो तीन अटैचमेंट होगा यहां पे आप लोगों का। सबसे पहला अटैचमेंट है ग्लू कैटलिस्ट, ओके। इसमें आपको क्या होगा, ग्लू वाल का जो है ना गाइस वो जनरेशन जल्दी जल्दी होगा, आप लोग ग्लू वाल को जल्दी जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, आपको ग्लू वाल जल्दी मिलते रहेगा ग्लू वाल कैटलिस्ट में। एंड जो अपना दूसरा है वो है ग्लू बॉक्स, ओके। ग्लू बॉक्स में क्या होगा, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लू वाल्स आप लोग कैरी कर सकते हो, ओके, आप लोग के हाथ में आएगा, आप लोग का ग्लू वाल जो है ना वो ज्यादा आप लोग ले सकते हो, ठीक है, ये है ग्लू बॉक्स का काम। और तीसरा है अपना टफ ग्लू। यहां पे टफ ग्लू का मतलब ये है कि आपका जो ग्लू वाल का प्रोटेक्शन है वो जल्दी नहीं फटने वाला है। जैसे आप लोगों को पता है गाइस नायरी कैरेक्टर कैसा काम करता है, वो ग्लू वाल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक वही गाइस यहां पे टफ ग्लू का मतलब है, ओके, आपका ग्लू वाल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। तो फ्री फायर में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो चेंजेस करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बात करते कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो फ्री फायर में गाइस बेकार करने वाला, थोड़ा सा मतलब बुरा कर देगा। तो
तो बुरा कैरेक्टर के पहले बात करते कौन से कैरेक्टर है उसमें से। तो सबसे पहले है अपने नायरी कैरेक्टर। यस माय फ्रेंड, नायरी को चेंजेस कर रहे हैं, साथ साथ दिमित्री में भी चेंजेस होगा और आपका तीवा, सोनिया, ओरियन एंड A124 इसको थोड़ा सा मतलब कम कर दिया इस स्किल को। बोल सकते हैं थोड़ा सा दिक्कत होने वाला आपको गाइस, ठीक है, अगर ये यूज कर रहे हो ये स्किल सब। अगर आपको लगता है गाइस फ्री फायर में बहुत ऐसे स्किल है जो अच्छा करने वाला है, तो हाँ भाई उनमें से बहुत ऐसे स्किल है, उसमें चार ही स्किल है। लाइक आपका सबसे पहले उकोंग है, सूजी कैरेक्टर है और आपका होमर एंड अपना ये आयरिस कैरेक्टर। ये आयरिस कैरेक्टर बहुत चलने वाला अभी के टाइम में, क्योंकि मैं बता गाइस ये 5 ग्लूवॉल के अंदर फोर सकता है, 5 ग्लूवॉल भी आप काम नहीं आने वाला है। सोचो गाइस पहले 3 था, 5 कर दिया, तो आयरिस में ऐसा काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो फ्री फायर ने रीवर्क किया गया। रीवर्क मतलब चेंजेस, पूरा कंप्लीट चेंज। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर है जय कैरेक्टर, उसके बाद है जोसेफ एंड तीसरा है निकिता। तो आप लोग देखो गाइस ये हमारा लिस्ट है, आप लोग देखो कैरेक्टर अपडेट्स का, मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपन एट्रीब्यूट्स अपडेट। तो देखो फ्री फायर में बहुत ऐसे वेपन से जो आपको अपडेट करने वाले फ्री फायर। ओके, तो कौन से वेपन है, मैं आपको सबसे पहले बात करता हूं M60 का। देखो M60 का मतलब है अपना M249, ठीक है, मैंने M60 गलती से बोल दिया, M249 होने वाला है, उसको थोड़ा सा अच्छा करने वाला है फ्री फायर। ये जो गन है इसको बहुत सारे बंदे यूज नहीं करना था, तो अभी यूज करने वाला है M249 प्लस आपका एक्सीमेट। तो फ्री फायर इसको भी बफ करने वाला है गाइस OB42 में। एक्सीमेट अब बहुत अच्छा चलने वाला, आपको बहुत सुंदर चलने को मिलेगा इसको गाइस, समझ के चलो गाइस ये CS और BR में धूम मचाने वाला है। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे वेपन से जो फ्री फायर नर्फ करने वाला है, मतलब डिग्रेड करने वाला है। देखो सबसे पहला जो गन है वो है RG अपना S50 गाइस, ठीक है, ये RG S50 गाइस जो आप लोग लॉन्चर है गाइस, ठीक है, वो है। ओके, आप लोग का जो मिनी लॉन्चर बोलते हो अपना तीसरा स्लॉट में जो रखते हो गाइस, ठीक है, RG 550 गाइस, ठीक है, ये लॉन्चर का नाम है। एंड जो सेकंड गन है वो है अपना मिनी UG। तो मिनी UG अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो उसको भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। लाइक इसमें गाइस आर्मर पेनेट्रेशन कम आ रहा है, ठीक है, इस वेपन में आर्मर पेनेट्रेशन। और एक तीसरा जो वेपन है आप लोग ध्यान सुनना, ये आपका फेवरेट वेपन है मुझे पता है, M10। देखो M10 में भी क्या हो रहा है, आप लोगों को मिनिमम जो डैमेज है ना गाइस वो और कम कर देगा। पहले तो OB41 में कम किया था, अब OB42 में भी कम कर रहा है, इसका डैमेज कम कर रहा है। मुझे नहीं लगता गाइस फ्री फायर ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि M10 हम लोग का फेवरेट था यार, जिसके पास अगर स्किन नहीं था तो वो M10 यूज करता था। तो फ्री फायर का ये बहुत बड़ा मतलब मुझे बहुत बुरा लगा यार M10 के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, लेटेस्ट गिल्ड अपडेट। देखो फ्री फायर में लेटेस्ट गिल्ड अपडेट का मतलब है आपका गिल्ड अब 2.0 चलेगा। गिल्ड ऑनर जो था ना उसको निकाल के अब गिल्ड 2.0 लगा देगा। इसमें क्या होगा, काम ऐसा करेगा कि आपको ना रिवार्ड मिलेगा, आपका गिल्ड में बैटल जो होगा ना गाइस गिल्ड 2.0 में, उसमें अच्छा खासा आपको गाइस यहां पे ना मिशंस देखने को मिलेगा। उस मिशंस को कंप्लीट करो, अगर आप टॉप 15 पे आओगे तो आपको गिल्ड को मिलेगा वी बैज। ओके, ध्यान सुनना, आपके आईडी को नहीं मिलेगा, आपके गिल्ड को मिलेगा वी बैज। बहुत सारे यूट्यूबर्स यहां पे कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि आपके आईडी को वी बैज मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, उसके गिल्ड को ही मिलेगा वी बैज। ओके, यहां पे दूसरा जो है गाइस बहुत है अमेजिंग आपको इमोट्स मिलेगा, साथ ही साथ कुछ अच्छे आपको रिवार्ड्स और देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूं गिल्ड 2.0 में, बस ध्यान रखना। हम बात करते हैं नंबर 3 पे, एंड नंबर 3 है चेंजेस इन बर्मुडा मैप। देखो फ्री फायर में आप लोगों को जब बर्मुडा मैप में उसको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हो चुका है अब विंटर। ओके, यहां पे फ्री फायर में विंटर आ चुका है, अब क्या होगा आपको स्नो देखने को मिलेगा, आपको जगह जगह पे स्नो पूरा फैला होगा आपका मैप में, पूरा बर्मुडा मैप का बात कर रहा हूं। ओके, यहां पे जो दूसरा मैप है वो आपको गेम में पता चलेगा। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं एक सेफ जोन के ऊपर। देखो फ्री फायर में आप जो सेफ जोन है इसमें थोड़ा चेंजेस करने वाला है, जो आपका 5 नंबर जोन आएगा ना उसमें आपका सेफ जोन मूव करने लगेगा। यस माय फ्रेंड, आपका सेफ जोन मूव करने लगेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क होकर खेलना पड़ेगा जब 5 नंबर जोन आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, एंड ये है क्लैश स्क्वाड का अपडेट से रिलेटेड। अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लैश स्क्वाड में एक नया मोड आ रहा है, इसका नाम है द एपिक बैटल। ओके, एपिक बैटल, इसमें क्या होगा आपको गेम में जाना है एंड आपको एक स्टाइल मिलेगा, इस स्टाइल में आपको चूज करना है। 3 टाइप का स्टाइल होगा, ठीक है, बैटल स्टाइल होगा। एंड इसमें सबसे पहला है मेगा बोल्ड स्टाइल, एंड नंबर 2 है डेमोनिलिस्ट, और एक तीसरा है वार्डिंग लॉर्ड। आपको 3 में से कोई एक चूज करना है। एंड इसमें क्या होगा, आपको लेवल 1 2 3 4 सभी स्किल का लेवल होता है, लेवल 1 2 3 4 तक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर
1 पे एंड इसका नाम है FF कॉइन मशीन। तो ये जो अपडेट है FF कॉइन मशीन, यहां पे आपको जाना है, आपका टीममेट को 200-200 कॉइंस मिल जाएगा, सभी टीममेट जितना भी आपको सबको मिलेगा, मतलब फ्री में कॉइन मिल रहा है, बस आपको यहां पे जाना है। इसके बाद आपको जो एनिमीज होगा ना, अगर वो भी आके यहां पे लेगा ना, उसको भी कॉइन मिलने वाला है, कॉइन कभी खत्म नहीं वाला है, ठीक है। अगर आप लोग वापस से जाओगे तो आपको कॉइन नहीं मिलेगा, आप एक ही बार गेम में ले सकते हो गाइस यहां पे, ठीक है, FF कॉइन मशीन से। तो और भी कई सारे अपडेट्स है, लाइक आपका उकोंग का बूस्ट से रिलेटेड और आपका मेडिकिट्स वाइल्ड रनिंग, आप लोग मेडिकिट मार सकते हो दौड़ते हुए। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ आपको कौन सा मैप खेलना पसंद है, क्या आपको बरमुदा खेलना पसंद है, कालाहारी, परगेट्री या नेक्स्टरा या फिर अल्पाइन, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।